सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, मैं हूं दिनेश लाल यादव निरहुआ और आप देख रहे हैं मुजफ्फरपुर जनता की आवाज। बंदरा प्रखंड के बड़गांव पंचायत अंतर्गत वार्ड संख्या 4 में तकरीबन 7 रविदास परिवार बांध किनारे बसे हुए हैं, जिनका घर बाढ़ के पानी से डूबा हुआ है। लेकिन अभी तक उन्हें न प्लास्टिक शीट दी गई है और न ही खाद्य सामग्री का कोई भी उचित व्यवस्था किया गया है। स्थानीय किशुन शाह ने बताया, प्रखंड स्तर से अभी तक कोई सुविधा नहीं पहुंची है। वहीं स्थानीय मुखिया शंभु शाह ने बताया कि प्रखंड प्रशासन की उदासीनता के कारण इस तरह का मामला सामने आ रही है। निरंतर प्रखंड पदाधिकारियों से बात कर रहा हूं, परंतु कोई सुनने के लिए तैयार नहीं। मैं अपने निजी कोष से हर संभव इन रविदास परिवार की मदद करूंगा। मुजफ्फरपुर जनता की आवाज के लिए राकेश कुमार झा की रिपोर्ट। क्या नाम हुआ? किशुन शाह। ये जो समस्या है इन लोगों को, इस संदर्भ में क्या कहना चाहेंगे? कहना ही चाहेंगे जो लगभग लोग 10-12 दिन से डूबे पड़े हैं, अभी तक ना इनके लिए मुखिया जी सुने, न प्रखंड विकास पदाधिकारी सुने, न सीओ साहब सुने। बस यही कहना चाहेंगे। सीओ साहब से क्या मांग है? इन लोग को राशन पानी पूरा करे, जिस तरह 5 नंबर में दाना पानी दिया गया है, बगाही 2 नंबर वार्ड में दिया जा रहा है, उतना लोग के लिए भी व्यवस्था किया जाए। कुछ नहीं है। कितने लोग यहाँ इस तरह से तकलीफ में? 7-8 घर है। 7-8 घर हैं। इन लोगों को देखने के लिए कोई नहीं आ रहा है? कोई नहीं आ रहा है। महेंद्र राम, अभी आप लोग कितने घर हैं यहाँ जो पानी में अभी डूबे हुए हैं? घर में पानी घुसा घर है। ये बरसात का पानी है या बाढ़ वाला भी है या बरसात भी हो पानी है? बरसात मतलब सरकार के तरफ से अभी कोई सुविधा आप लोगों को नहीं मिली है? वो पन्नी तक न रात में परसों मेघ आयल से भर रात से बैठ कर हम लोग भीज के बिहान ले में भीज भीज। क्या नाम है आपका? महेंद्र। क्या दिक्कत सब हो रही है अभी आपको? हाँ, कुछ साधन ना है, न खाए के साधन, न कपड़ा लत्ता के, न रहे के साधन है। घर अंगना में देखल गेल जमीनों जथा न हमरा से, बस सिर्फ बिहार पानी घर में, बस घर घर ले हती। खाने पीने का कोई सुविधा नहीं है? मुखिया सुन रहा है, न यार्ड सुन रहा है, कोई नहीं सुन रहा है, न पन्नी मिलता है, न खाने।